तो आई गाइस, इस बैग का मैंने अनबॉक्सिंग किया था जो कि मेरे मैकबुक का था। तो इसके साथ मैंने और एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि मैकबुक का कवर था, क्योंकि जो इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इसका कंप्लीट रिव्यू किया है मैंने, साथ कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा नहीं, क्या है बैग। आपको यदि इस तरह का कोई छोटा मोटा अगर यदि लैपटॉप बैग परचेस करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। तो इसके साथ मैंने एक जो कवर था इसका, जो एक्चुअली वाइट कलर का है तो गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्क्रैचेस भी, जो मेटल फ्रेम है इसलिए इसमें स्क्रैचेस लगने के भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसके लिए मैंने एक कवर भी ऑर्डर किया था जो कि मेरा उसी बैग के साथ आया था। तो उसमें उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि अगर यदि उसको मैं अगर यदि सेम वीडियो में इंक्लूड करता तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, जो कि शायद आप लोग देखते नहीं। इसलिए मैंने उसको सेपरेट वीडियो, इसमें मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और दिखाऊँगा कि ये एक्चुअली कवर कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार ही ऑर्डर किया था कवर, और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है जो मैकबुक का कवर, और इस तरह का कुछ पैकेजिंग के साथ आया है, और मैंने बैग के साथ ही इसको ऑर्डर किया था। उसके साथ एक क्लिप भी ऑर्डर किया था, उसका क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके। तो ये कुछ इसमें यहाँ इधर से थोड़ा सा खुला हुआ है, इधर से पैक है, तो इसको आधा तो खुला ही है पूरा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ। इसकी पैकेजिंग तो मुझे ठीक लग रही है, आई थिंक, और कुछ नहीं है। ये एक लेयर था जो बबल रैप का था, उसके बाद ये है मेन प्रोडक्ट, तो इसको भी अनरैप करना पड़ेगा। इसके अलग अलग कलर कलर वेरिएंट भी आते हैं, जो आपको पिंक में, ब्लू में, बहुत सारे कलर्स वेरिएंट है। जैसे इसमें देखिए, मैकबुक है 13.3 का है ये इस मॉडल में, जो कि 1466 और ये 1369, ये दो मॉडल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा वाला मैकबुक का मॉडल है वो 1466 है। ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ये ट्रांसपेरेंट है, और आप इसको अलग अलग कलर वेरिएंट में भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग तो इसकी अच्छी है, ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर देखिए रबर पैडिंग दिया हुआ है, जो कि मेरे मैकबुक के पीछे इस तरह से आ जाएगा, आई थिंक। देखिए इस तरह से ये नीचे फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ अब ये मार्किंग है जो कि इंडिकेट करता है कि ये आगे का है, ये पीछे का है। देखिए ये कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा, मुझे लगा फिक्स नहीं होगा, बट ये करेक्ट साइज का है, ये कुछ इस तरह से फिक्स हो गया। अब जो भी स्क्रैचेस हैं वो इसमें लगेंगे, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 800 रुपये का आता है। ख़राब होगा तो ईजिली आप इसको चेंज कर सकते हैं, और अंदर का जो परफेक्ट कंडीशन है ये अच्छी तरह से बैठ भी गया, आप यहाँ से अच्छी तरह से तो यूज़ कर सकते हैं। जो रबर पैडिंग जो मैकबुक में दिया है वो इसमें भी दिया हुआ है, और जो इसका स्पीकर ग्रिल है वो कम्प्लीटली क्लियर है, जिससे आपका साउंड ईजिली से आ सकता है। इसको नंबरिंग देने की बात कहें तो इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से हो गई है, जो आपके देखिए एक ज़रा भी गैप कहीं भी नहीं है। और मैकबुक की एक खास बात है कि आप उसको ईजिली से एक हाथ से टर्न ऑन कर सकते हैं, जो कि विंडोज़ का कोई भी लैपटॉप लेंगे तो ये चीज़ उसमें नहीं होता है। एक हाथ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और मैं इतने दिनों से यूज़ करता हूँ, इसको शट डाउन अभी तक नहीं किया है। उसके भी एक खास बात है कि इसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी काम करता है तो आप उसको एज इट इज़ जिस तरह से छोड़ते हैं उसी तरह से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको शट डाउन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो बाकी
फिनिशिंग प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है, आप इसको एकदम 100% ले सकते हैं। आपको यदि मैकबुक यूज़ करते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कटआउट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, जो पोर्ट वगैरह का सीन है। बाकी यहाँ पर जो स्पीकर है, बाकी यहाँ पर जो USB है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, सब कुछ परफेक्ट है। और यहाँ से आप उसको ईजिली से ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। और कुछ भी स्क्रैचेस होगा तो आपका इसमें होगा, ना कि आपका मैकबुक में होगा। तो आपका मैकबुक 100% सेफ रहेगा, बस गिरना नहीं चाहिए। बाकी स्क्रैचेस जो है उससे बच सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज, इस प्रोडक्ट का आप 100% कंसिडर कर सकते हैं। अगर यदि आप मैकबुक ऑन करते हैं तो आप ईजी से इसको बाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो ग्रिप है वो 100% जो लॉक होता है वो लॉक हो गया है, और काफ़ी हद तक आपको ऑलमोस्ट स्क्रैचेस से बचा सकता है। बट गिरा तो फिर चला जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट ग्लास का है और गिरने पर ये टूट सकता है। बट इसको आपको सेफ रख सकते हैं, क्योंकि बस काफ़ी फिटिंग वगैरह सारा कुछ अच्छा है। तो गाइज़ ये था मैकबुक का कवर, और उसके साथ मैंने एक जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो लॉक क्लिप का, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग से वीडियो कैरी करना पड़ेगा, तो इसलिए तो इसको भी मैं जस्ट अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या है। ये क्लिप है गाइस एक्चुअली, जो कि आपको पता है अपन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो जो उसके इसके हिंजेस होते हैं वो हिंजेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिस कारण से ये क्लिप अगर यदि लॉक रहेगा तो उसको आप बहुत हद तक सेफ रख सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है देखिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो इसमें बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं, अलग अलग चार्जर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर यदि चार्जर्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि एप्पल्स का जो एसेसरीज़ होता है, जो कि खासकर ये वायर जो होता है, वो बहुत ही घटिया किस्म का होता है और ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसी कारण से मैं सोचा कि यदि ये एक बार ख़राब हो गया तो ये 7000 का कॉस्ट पड़ता है जो मैकबुक का जो चार्जर है वो। तो यहाँ पर आप इजी से इसको लॉक कर सकते हैं, और इजी से लॉक करके आप इसको सेफ रख सकते हैं कि यदि आपका एक साल में ख़राब होने वाला है तो ऑलमोस्ट वो 2-3 साल आराम से चला जाएगा। मगर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट ख़राब होता है तो सिर्फ इसका ये चीज़ होता है, जो ये हिंज जो होता है ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस कारण से आप यदि इसको ऑर्डर करते हैं तो इसने एक बॉक्स में ऑलमोस्ट कितना दिया है, 10 पीस दिया हुआ है, 10-11 पीस है। तो आप इसको ईजिली से ऑर्डर कर सकते हैं, और इसको आप बड़े ही प्यार से आराम से लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा, और ये आपको जो वायर है वो बहुत ही इस तरह से इसको राउंड राउंड करके That's it. ये हो गया, और ये आपका जो ऑलमोस्ट लाइफ हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हिंजेस होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस तरफ से यहाँ लगा देते हैं एक, और एक जो होता है एक मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो इसको भी बस इसको एक बार क्लिप करना है, और क्लिप करके इसको जस्ट घुमाते जाना है। ये अलग अलग कलर वेरिएंट में भी आता है, अगर आपको यदि कलरफुल चाहिए तो देखने में तो भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप कलर वाला भी मंगा सकते हैं इजी से। बस इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। मे भी कितना दिन तक सेफ रहेगा, मगर हाँ कुछ हद तक तो आपको सेफ़ रख ही सकता है, क्योंकि जो ये चीज़ होता है, जो एप्पल का ये वायर होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर यदि आप थोड़ा केयरलेस तरह से रखते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। That's it. ये इधर भी हो गया, और ये इधर भी हो गया। तो ये आपको कुछ हद तक सेव रख सकता है। ये अलग अलग कलर वेरिएंट पे भी आता है, आपको इसमें थोड़ा लुक भी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैं आपको 100% रेकमेंड करता हूँ। तो गाइस, आप इस दोनों प्रोडक्ट को 100% कंसिडर कर सकते हैं, एक मैकबुक का कवर और जो ये क्लिप होता है, तो इसको कंसिडर आराम से कर सकते हैं। और जो ये बैग का, यदि आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली से देख सकते हैं, और इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। और इसको मैंने सारा कुछ ये मैकबुक कैरी करने के लिए ही ऑर्डर किया था, तो ये एक है। बाकी ये दोनों 100% रिकमेंड कर सकता हूँ, आप इसको 100% बाई कर सकते हैं। और इसका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है ये मैं 100% सेटिस्फाई
उसमें 10 out of 10 का इसको मैं रिव्यू दूंगा और आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ठीक है, आपको बहुत सारे स्क्रैचेस से बचाएगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रोडक्ट को आपको 1000 में आपको सेफ रख सकता है। तो अगर यदि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इसको ईजिली से परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था सारा प्रोडक्ट जो मैंने स्पेशली अपने मैकबुक के लिए ऑर्डर किया था। तो ये बैग का वीडियो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इससे पहले मैंने एक अपलोड किया उस पर देख सकते हैं। और इस दोनों प्रोडक्ट का और उस बैग का सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहे तो उसमें से इजी से जाके परचेस कर सकते हैं और बैग को भी कंसिडर कर सकते हैं और ये कवर को भी और ये चार्जर का जो क्लिप है उसको भी कंसिडर कर सकते हो। गाइस ये था अनबॉक्सिंग और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, बने रहे वीडियो में। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, परचेस करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, परचेस कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। गाइस मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू एंड गुड बाय।